हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शाद और आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ पूरी। आप परफेक्ट तरीके से घर पर किस तरह और कैसे बना सकते हैं परफेक्ट रेसिपी, आज मैं आपसे शेयर करूँगी। छोटे छोटे से टिप्स आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह से आपकी जो पूरी है वो तैयार होगी। तो आपने मेरे साथ रहना है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। इस तरह का हम एक बोल लेंगे, उसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। उसे हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानने के बगैर आपने मैदे को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। छानने से आपकी पूड़ी जो है वो परफेक्ट बनेगी। 2 कप भी हम इसी तरह से डाल के इसमें तो छान लेंगे। 2 कप भी हम डाल के इसी तरह से छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। पूड़ी आपकी नरम सॉफ्ट क्यों नहीं बनती, अकड़ सी जाती है? कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप मिस कर देते हैं तो आपकी जो पूड़ी है वो अक्सर जो है वो बिल्कुल जो है वो नरम और सॉफ्ट नहीं बनती। आपने मेरे साथ रहना है और गौर से आपने छोटे छोटे से टिप्स देखनी है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी बेकिंग सोडा, जो इसमें लाजमी जाएगा, और 1/2 टीस्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालना ज़रूरी है। चीनी अगर आप नहीं डालेंगे तो आपकी पूड़ी जो है वो फूली हुई नरम और सॉफ्ट नहीं बनेगी। और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक को ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें 2 चम्मच भर के जो है वो दही ऐड करेंगे। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, और इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल का, ये जाएगा। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की मदद से आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे जो है आपने मिक्स करना है। बिल्कुल नरम हाथों से आप कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैं सारा इसमें मिक्सचर जो मैंने ऐड किया वो मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसमें हल्का हल्का सा पानी लगाते जाएंगे और इस डो को तैयार कर लेंगे। चले तो अब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, तो पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें। तो पानी जो है वो रूम टेम्परेचर का लिया है मैंने, नीम गर्म नहीं इस्तेमाल किया। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, इसको गूंथते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो को ज़्यादा हमने नरम और हार्ड नहीं करना, बस दरमियानी सी हमने रखनी है। तो इसे हमने हल्के हाथों से जो है वो गूंथ लेना है जी। तो माशाल्लाह से मैंने पानी डालकर इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया है। अब हमने इसको गूंदना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको गूंदेंगे, तो उसके बाद ये जो है वो डो रेडी होगी। इस तरह से हम गूंदते जाएंगे, तब तक गूंदेंगे पैन को छोड़ दे, नीचे बर्तन को छोड़ दे, तब तक हमने इसको डो को गूंदना। जब ये बर्तन को छोड़ना शुरू कर देगी ना, तो समझ लें ये डो रेडी है। जी तो माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया। तो ये देखें माशाल्लाह, आप देख रहे होंगे कि पैन को बिल्कुल इसने जो है बर्तन को नीचे से बाउल को छोड़ दिया।
तो बिल्कुल परफेक्ट डो गूंद गई है, ये देखें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है। तो आपने जो है इसी तरह से गूंदनी है, छोटे छोटे से टिप्स आपने जो है वो स्किप बिल्कुल नहीं करने। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी डो बिल्कुल जो है वो रेडी नहीं होगी। अब हम 3 से 4 मरतबा इसे इस तरह से पटकेंगे, ताकि ये लाजमी, अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो आपकी पूड़ी जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, आपने इस तरह से इसे पटकना है, तो उसके बाद आपने ना इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देना। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इस तरह से जो है वो हमारी डो रेडी हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम इसे देंगे रेस्ट तकरीबन तकरीबन 15 से 20 मिनट की। तो ऊपर लगा देंगे हल्का हल्का सा ऑयल, ताकि ऊपर से जो है वो खुशक ना हो। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से हमने जो है वो बुरश की मदद से लगा लिया। तो इसके ऊपर कवर लगा देंगे जी। तो कवर लगा के हमने 15 से 20 मिनट की इसे रेस्ट देनी है। उसके बाद हमने जो है वो इसके पेड़े रेडी करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से जो है वो पेड़े रेडी करने हैं 15 से 20 मिनट के बाद, फिर मैं आपको मिलूंगी। चले तो माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट हो गए हैं हमने इसको रेस्ट दिए हुए। अब हम इसे करेंगे साइड पे। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे, इस तरह से हम एक ट्रे लेंगे, तो ट्रे के अंदर हम जो है वो कुकिंग ऑयल लगा के ना तो रख देंगे, ताकि हमने जो पेड़े रेडी करने हैं तो इसी में हम जो है वो रखें। सबसे पहले हम ये जिसमें पेड़े रखे हैं वो ट्रे हम घी लगा के या कुकिंग ऑयल लगा के हम इसको रेडी करेंगे। चले तो माशाल्लाह से हमने इसको रेडी कर लिया। चले तो अब हम पेड़े बनाएंगे। किस साइज के बनाएंगे मैं आपको बताऊं, आपने इस तरह से उठाना है इसको जी। ये देखें माशाल्लाह इतना जो है वो पेड़ा होना चाहिए। तो हमने इस तरह से इसको जो है वो जिस तरह हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से हम इसका पेड़ा रेडी करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, तो हम इस तरह से बना के ना सारे पेड़े तो हम ट्रे में रखते जाएंगे। चले तो माशाल्लाह पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं, तो बाकी का काम करते हैं। चले तो माशाल्लाह जहाँ हमने पूरी बेलनी है उधर हम हल्का सा कुकिंग ऑयल जो है वो लगाएंगे नीचे। तो इस तरह से हम पेड़ा रख लेंगे, और उसके ऊपर बेलन के ऊपर यानी के रोल पिन के ऊपर भी हमने हल्का सा जो है वो कुकिंग ऑयल लगा लेना। फिर हमने इस तरह से बेलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम पे हमने जो है वो ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हम इसको जो है वो बड़ा कर लेंगे। इस साइज़ में मैंने पूरी कर ली है, ना तो ये बहुत बड़ी है और ना ही ज़्यादा छोटी है। तो लेयर इसकी इतनी होनी चाहिए, ये देख लें माशाल्लाह इतनी है, ना ही बारीक है और ना ही मोटी है। ऑयल का कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ऑयल जो है वो फ्लेम पे मैंने 10 मिनट पहले मीडियम टू पे रख दिया था, अब मैंने थोड़ा सा हाई कर लिया, तो इसमें हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है। तो तब आके इसमें जो है वो आपने पूड़ी को ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त पूड़ी फूलेगी। इस तरह से आपने ऊपर से जो है वो, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें परफेक्ट फूली है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपकी पूड़ी बनेगी। जब आप बनाएंगे ना तो फ्लेम बिल्कुल जो आपने लो नहीं रखना, थोड़ा सा हाई हो और हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा हो। तो ये देखें माशाल्लाह पूड़ी, देखें आप खुद ही जान जाएंगे जब मेरे तरीके से आप पूड़ी बनाएंगे, इसी तरह से परफेक्ट आपकी पूड़ी बनेगी और फूलेगी भी इसी तरह से। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम बाकी की भी बना लेंगे। तो चले माशाल्लाह से सारी हमने इसी तरह से निकाल लिया, अब मैं आपको इसकी फाइनली लुक दिखाऊंगी जी। तो ये देखें माशाल्लाह आप फाइनली लुक देख सकते हैं कि पूड़ी जो है वो हमारी कितनी परफेक्ट बनी है। इसी तरह से मेरे तरीके से आपने जो है वो सारी रेडी कर लेनी है। तो माशाल्लाह से ये देखें माशाल्लाह कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट जो है वो पूड़ी रेडी हुई है। तो आपने भी इसी तरह से बनानी है। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहन भाई दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो पूरी
परफेक्ट बनी है ये, मैं आपको तोड़ के दिखाऊं। आप चने के सालन के साथ इसे खाएं, हलवे से खाएं, या फिर आप इसे किसी भी सालन से खा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ सारे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।